राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है, बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे ना हिंदू रहे ना क्रिश्चियन रहे ना सिख हुए, ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है, ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर एक आतंकवादी। रेलवे द्वितीय आतंकवादी हैं, को द्वितीय आतंकवादी हैं और भ्रष्टाचारी हैं, महाभ्रष्टाचारी हैं, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे नेताओं को तो खाड़ फेंकना चाहिए आप लोगों को भी, कि बेईमानी के उन्होंने रोहिंग्या लोग दिल्ली में बसा दिए हैं, जो कि हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान आप सबके लिए है, रोहिंग्याओं के लिए या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी के लिए नहीं है, हमारे हिंदू कहीं से, हिंदुस्तान ही एक अकेला देश है जो कि विश्व से, जैसे खालिस्तान में हमारे देखिए खालिस्तानियों का गुरु ग्रंथ साहब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लेके आए थे, यही हिंदुस्तान ऐसा है जिस सबको लेके चल सकता है, इसलिए हिंदुस्तान में ही आवश्यकता है। इतना ही कहते हैं अपनी वाणी पर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। कांग्रेस बेईमानों की पार्टी है, व्यक्तिगत पार्टी है, घर परिवार की पार्टी है। आपने आदरणीय महात्मा गांधी जी का अगर किताब पढ़ी हो, उसमें साफ लिखा था आफ्टर फ्रीडम डिस्पर्स द कांग्रेस, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये प्रधान हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन आज तक इन बेईमानों ने नहीं की, क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए, इन्होंने लूटा, दिन दहाड़े लूटा इस देश को, डिवाइड एंड जाति वर्ग भेद में बांटा। आज देखिए मुसलमानों की वो लोग गिनती नहीं करना चाहते, उनमें भी सारी जातियां हैं, हिंदुओं की जाति भेद में बांटना चाहते हैं, गोत्रवाद में बांटना चाहते हैं, ताकि देश अस्थिर हो, ये उनकी सोच है डिवाइडेड रूल वाली। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी हमारे देश में नहीं है, विश्व में सर्वाधिक, आज हमारा जीडीपी है तो विश्व में सर्वाधिक हिंदुस्तान का है, 7.5% विश्व का, आज अमेरिका का नहीं है, चाइना का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है, इंग्लैंड की स्थिति बड़ी खराब है, तो हम सर्वाधिक सुरक्षित, सर्वाधिक ऐसे हाथों में है, हम सुरक्षित हिंदुस्तान आदरणीय मोदी जी के हाथों में, ये देश कभी गरीब नहीं हो सकता।